हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस फॉसी। इट्स मी सोनिया। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो जो आज का टॉपिक है वो है फेस सीरम। फेस सीरम हम कैसे लगाते हैं, फेस सीरम हम क्यों लगाते हैं और फेस सीरम लगाने के फायदे क्या क्या हैं, तो वो सब जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक दे देना, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर योर थॉट्स इन अ कमेंट बिलो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फेस सीरम बहुत ज़्यादा हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपकी स्किन अच्छा नहीं होगा तो मेकअप अच्छा नहीं आएगा, और मेकअप अच्छा नहीं आएगा तो आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा और डल हो जाएगी, क्योंकि हम जितना ज़्यादा मेकअप करेंगे और अच्छा भी नहीं लग रहा है और अंदर गंदगी जा रही है, जिससे कि हमारा जो स्किन है पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा धीरे धीरे, फिर वो स्पॉट आने लगेंगे, फिर वो पिंपल्स आने लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। इसलिए बेटर है कि आप अपना पहले डे केयर अच्छा रखें। डे केयर अच्छा रखने के लिए डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ें घर पे भी करनी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको बाहर से भी करवानी चाहिए। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आपको कैसा रखना है अपनी स्किन को। तो अपने आप को टाइम ज़रूर दें, क्योंकि अगर हम अपने आप को टाइम नहीं देंगे तो हम शायद ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो फेस सीरम यूज़ करने के बहुत सारे वेज होते हैं। सबसे अच्छा और बहुत इजी वे होता है, पहले तो अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। मैंने मेरे फेस पे जो भी हल्का फुल्का मेकअप किया है मैं उसको रिमूव कर लूँगी। मेकअप बहुत अच्छे से रिमूव नहीं होता है अगर आप फेस वॉश करने जा रहे हैं, तो बेटर है आप या तो क्लीजिंग कीजिए, क्योंकि हमारे जो आजकल के प्रोडक्ट्स होते हैं वो वाटर प्रूफ भी होते हैं और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा केमिकल वाले होते हैं, तो एक जस्ट नॉर्मली फेस वॉश से आपका पूरा मेकअप नहीं निकलेगा। तो फेस सीरम यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप अपना फेस वॉश अच्छे से कीजिए या फिर क्लीजिंग कीजिए। जितना भी आपके फेस पे मेकअप है पहले वो निकालिए, उसके बाद आपको टोनिंग करनी है, उसके बाद ही आपको फेस सीरम यूज़ करना है। फेस सीरम यूज़ करने इसलिए है क्योंकि हमारे जो फेस सीरम है वो बहुत अंदर तक जाता है, डीपली ऑब्जर्व होता है। अगर आप मॉइस्चराइजर को कंपेयर कर रहे हो फेस सीरम से, तो नो, फेस सीरम अलग चीज़ है, मॉइस्चराइजर अलग है। मॉइस्चराइजर जो है वो सिर्फ हमारी ऊपर की लेयर को, एक स्किन को जो है हमारे मॉइस्चराइज करता है, अंदर नहीं जाता है। लेकिन फेस सीरम आपके अंदर जाता है। अंदर जाने के लिए हमें पहले अपना जो हमारा स्किन है अच्छे से साफ करना है, तो पहले हम हमारा मेकअप निकाल लेते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ वेट टिश्यू मेकअप रिमूवर। आप अपने वेट टिश्यू से या मेकअप रिमूवर टिश्यू से, या फिर आप क्लीजिंग कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है। तो सारा मेकअप मेरा रिमूव हो चुका है, अब हमें करना है टोनिंग को। टोनिंग इसलिए क्योंकि जितने भी हमारे ओपन पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज हो जाएं और हमारी स्किन टाइट रहे, तो टोनिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। टोनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा गुड वाइब्स का टोनर। ये बहुत अच्छा टोनर है, ग्लो रोज टोनर है, और मैं इसको थोड़े दिन से ही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे इसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये नो एल्कोहल, नो पैराबेंस और नो सल्फेट्स है, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है और प्योर है। तो यस, टोनिंग करने के भी काफ़ी सारे वेज होते हैं। चाहे तो आप कॉटन पैड से अपने फेस पर रब कर सकते हैं, या फिर हाथ में लेकर अपने फिंगर के हेल्प से कर सकते हैं, या फिर आप स्प्रे कर रख सकते हैं। तो ये स्प्रे बॉटल है आप, ये अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप गुलाब जल भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास गुलाब जल भी नहीं है तो आप खीरे का रस भी एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी हम ये यूज़ करते हैं। तो इसको टोनिंग करने के लिए मैं अपने फेस पर जस्ट स्प्रे कर रही हूँ। अब यह इसको बंद करके कीजिए, क्योंकि फिर आपके आँखों में चला गया तो इचिंग होगा, तो अपने इसको थोड़ा सा बंद करके ही करें, आप ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। टोनिंग करने से आपके फेस को एक फ्रेशनेस ही मिलती है, एनर्जी वाला फेस लगता है और काफ़ी अच्छा फील होता है, तो टोनिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो ये बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है. अब हम यूज करेंगे फेस सीरम. फेस सीरम के लिए मैं यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज हिप रेडियंट ग्लो फेस सीरम, जो कि काफ़ी अच्छा है. इसका रिजल्ट भी मैं बहुत टाइम से दूसरा एक सीरम विटामिन सी का सीरम यूज़ कर रही थी, फिलहाल मैंने अभी ये नया स्टार्ट किया है और इसका भी मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट लगा है. तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ये इतना सा है. इसका जो प्राइस है वो है 215 रुपीज़, 10 ml का है जस्ट. इसका रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है. और अगर आप फेस सीरम डेली यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करके अनइवन जो टोन हमारी स्किन होती है वो इक्वली हो जाएगी और आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस रहेगी ऑल द टाइम. तो आपको हर 4-5 घंटे में मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको खुद को दिखेगा कि मेरी फेस पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है आफ्टर यूजिंग फेस सीरम. आप चाहें तो आपका भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं. फिलहाल तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये वाला. तो इसको यूज़ करने के लिए हमने टोनिंग कर ली है हमारे फेस पर. अब मैं इसकी ड्रॉप्स को अपने चिक्स पर थोड़ा सा ड्रॉप करूँगी ताकि अच्छे से ये हर जगह रब हो जाए. तो हम इसको यूज़ करने के लिए इसकी ड्रॉप की हेल्प से मैं अपने फेस पर डिवाइडेड ड्रॉप्स कर दूंगी ताकि ये अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए हर जगह पर. बहुत ज़्यादा नहीं लेना आपको, बहुत कम लेना है. मैंने 3 ड्रॉप ही ली है, एक फॉरहेड पे डाली, 2 यहाँ, हल्का सा टच यहाँ किया था चिन पे. तो इसको भी आपको ऐसे करना है जैसे हम फेशियल करवाते हैं ना, फेशियल करने की वे होती है कि आपको अपर साइड पे करना है ताकि आपकी स्किन जो है वो टाइट रहे, और हल्के हाथों से करना है, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है ताकि धीरे धीरे आपके अंदर ऑब्जर्व हो, आपकी स्किन के अंदर तक जाए और आपकी स्किन को अंदर से डैमेज फ्री रखे. तो इसका भी मैंने अब जैसे कि बताया, इसका भी अपना वे होता है यूज करने का, ताकि आप कभी भी ऐसे नीचे की साइड ना करें, आपकी स्किन जो है वो लूज होने लगेगी. हमेशा अपर साइड में करें ताकि आपकी स्किन टाइट रहे. और इसको तब तक मसाज करना है जब तक आपका फेस सीरम अंदर तक ना चला जाए, ड्राई ना होने लगे हल्का सा. तो मेरे फेस पे जो सीरम मैंने लगाया था वो मेरे हैंड्स पे इतना नहीं है, ड्राई हो चुका है. तो यस, ये आपको एक अच्छी सी शाइन देता है, आपके फेस को बहुत ग्लॉसी सा बनाता है, एक अच्छा सा खुद को ही फील आने लगता है कि हाँ यार मेरी स्किन आज अच्छी लग रही है. क्योंकि कई बार होता है कि हमें पता होता है कि स्किन बहुत गंदी लग रही है, हमें बाहर नहीं जाना है इसे स्किन लेकर, और हमारे पास कुछ करने के लिए होता ही नहीं है. तो अगर आप घर पर भी ऐसे कुछ सीरम बनाना चाहते हैं तो मैंने गैर वैक भी किया हुआ है, वो सीरम भी काफ़ी अच्छा है. नॉर्मली अगर मेरे पास कोई सीरम नहीं होता तो मैं वो DIY ही यूज़ करती हूँ. इसका लिंक आपको ऊपर चैनल पे दिखाई दे रहा हूँ, तो वो वाला वीडियो भी आप ज़रूर देखें, उसका भी इफेक्ट काफ़ी अच्छा है और बहुत बार मैं वो भी यूज़ करती हूँ. तो हमारा ये था वे लगाने का सीरम. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना. साथ ही अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो बिना सब्सक्राइब के कहीं मत जाना, क्योंकि बिल्कुल फ्री है बॉस और मैं ऐसी वीडियोज़ आप लोगों को लेकर आती रहती हूँ. So till then, bye bye, take care, have a good day.